हिंदू धर्म में जलते हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है? मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? तो दोस्तों, आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। हिंदू धर्म में जलते हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है? शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। माना जाता है कि आत्मा या जीव ब्रह्मरंध्र यानी मस्तिष्क के द्वार से शरीर में प्रवेश करती है। जीव या आत्मा अपने कर्मों के आधार पर इन दरवाजों के माध्यम से शरीर से निकलती है। ब्रह्मरंध्र को शरीर में मौजूद 11 द्वार में से उच्च द्वार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जीव या आत्मा सिर से निकलती है वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाल मोक्षम भी कहा जाता है। हालांकि ये विधि गुरु के माध्यम के बिना हासिल करना एक कठिन काम है, इसलिए मृतक के रिश्तेदार मृत शरीर के सिर को या कपाल को डंडे से मारते हैं। क्यों 3 बार मारा जाता है कपाल को डंडे से? डंडा ये एक तरह का रस्म है। एक बार जब चिता जल जाती है तो तब करता बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार मारता है, क्योंकि एक बार में वो आसानी से नहीं टूटती, इसलिए 3 बार मारते हैं। जब वो खोपड़ी या कपाली को डंडे से मारकर तोड़ते हैं तो चीता की गर्मी की वजह से खोपड़ी जल्दी टूट जाती है। आत्मा के दुरुपयोग होने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सिर को डंडे से मारकर इसलिए फोड़ा जाता है ताकि जो तंत्र विद्या करने वाले लोग होते हैं वे लोग व्यक्ति के मरने के बाद उसके सिर के फिराक में रहते हैं ताकि इससे वो उसका दुरुपयोग कर सके। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सिर के द्वारा तांत्रिक उस व्यक्ति को अपने कब्जे में कर सकते हैं और उसकी आत्मा से गलत काम करवा सकते हैं, इसलिए मृत व्यक्ति के सिर को डंडे से फोड़ा जाता है। मुसलमान सुअर का मांस क्यों खाते हैं? मुसलमान के पवित्र ग्रंथ कुरान में सुअर का मांस खाना हराम माना गया है, जिसे ज्यादातर लोग अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पुराणों और ग्रंथ लिखने वाले लोग बहुत ही ज्ञानी थे और यही कारण था कि बिना वजह उन्होंने कोई बात ग्रंथ में नहीं लिखी। सुअर का मांस खाने के पीछे ऐसा कारण है जिन्हें जानकर आप कभी सुअर का मांस नहीं खाएंगे। हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि सुअर एक गंदा जानवर है। सुअर को अक्सर कीचड़ में बैठा देखा जा सकता है। आपको शायद पता हो कि सुअर अपना ज्यादातर समय कीचड़ में ही बिताता है और वह कीचड़ भी खाता है, जिसमें वो मल और सड़ा हुआ खाना भी खाता है। सुअर एक ऐसा जानवर होता है जो अपने मल को भी खा जाता है। ऐसे में सुअर के शरीर में काफी मात्रा में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है। एक वयस्क सुअर में इतनी मात्रा में जहर इकट्ठा हो जाता है कि उस पर सांप का असर भी नहीं होता। सुअर दुनिया के इकलौता ऐसा जानवर है जिसे पसीना नहीं आता। सुअर के शरीर में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए उसके शरीर से पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाले टॉक्सिन उसके मांस में इकट्ठा हो जाते हैं। सुअर के शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया के साथ कीड़े भी पैदा होने लगते हैं, जिसमें सबसे खतरनाक कीड़ा होता है टेप वॉर्म। अगर आप सुअर का मांस खाते हैं तो आपके शरीर में ये कीड़ा प्रवेश कर जाता है। एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि टेप वॉर्म एक ऐसा कीड़ा है जिसके अंडे खून के दौरान शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। अगर ये अंडे गलती से आपके दिमाग में चले गए तो आपको ब्रेन डैमेज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सुअर के मांस को पचाने में भी 3 से 4 घंटे लगते हैं। सुअर के मांस में मौजूद टॉक्सिन्स आपके शरीर में कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, जिसमें हार्ट अटैक सबसे महत्वपूर्ण है। हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य बिना हवन के पूर्ण नहीं होता। कहते हैं कि हवन के माध्यम से अपनी आवाज को हम देवताओं तक पहुंचा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। कई जगह तो हवन को ग्रह शुद्धिकरण का सबसे अच्छा तरीका भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने के लिए स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है, इसलिए हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने का सबसे अच्छा मार्ग अग्नि में इसकी आहुति देना होता है। जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म में हर चीज जोड़े में आती है, उसी प्रकार हवन में अग्नि के साथ स्वाहा का उच्चारण भी किया जाता है। स्वाहा शब्द प्रकृति में विद्वान शक्तियों का एक प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार स्वाहा प्रकृति की ही एक स्वरूप थी, जिनका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर सम्पन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं स्वाहा को वरदान देते हुए कहा था
वे केवल उसी के माध्य से भविष्य को ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। पौराणिक मान्यता है कि पूजा या अनुष्ठान के अंत में अविवाहित किए गए देवी देवताओं को पसंद का भोग उन्हें दिया जाता है। इसी के लिए अग्नि में आहुति दी जाती है और स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि कुत्ते की आवाज करने का कारण भूत भी होते हैं। लोगों का मानना है कि हमारे आसपास आत्माएं रहती हैं, जिनको देखकर कुत्ते आवाज करने लगते हैं। लोगों के बीच इसको लेकर कई तरह के भ्रम भी हैं। पुराने समय में भी ऋषि मुनियों ने इस तरह के कई संकेत दिए थे, जिससे आज भी बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं। जब कुत्ते रात में आवाज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने संदेश किसी को दे रहे हैं। आवाज करके ही वो अपना संदेश अपने सभी साथियों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह की क्रिया जंगली कुत्तों और भेड़ियों में भी देखने को मिलती है। जब एक कुत्ता आवाज करता है तो असल में वो अपने दूसरे साथी को अपनी जगह बताता है। इसी के साथ ही वैज्ञानिकों की माने तो अगर कुत्ते में दर्द हो तो वो भी ऐसा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा करके वो अपने दर्द को दिखाने की कोशिश करते हैं।